सभी सब्जी तो धुपगुड़ी से ही आता है, सभी सब्जी तो धुपगुड़ी से ही आता है। रात को हम लोग जब चेकिंग करते हैं वो गाड़ी से सभी सब्जी उधर से ही आता है। दूसरे यहाँ है। पटल कितना ले रहे हैं भैया जी? पटल ये वाला 60 रुपए बिक रहा है, एक करोड़ सामने जो दिख रहा है ना तो 40 रुपए का। ये लोकल है यहाँ का झुपड़ी का, और ये कलकत्ता का झुपड़ी का। ये जो है कलकत्ता से खाने में थोड़ा खाने में डिफरेंट होता है। कहाँ चला गया? ये भी नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, दुकानदार नहीं है। जब आएगा पहले हाथ लगे, उसके बाद सब्जी में हाथ लगे। वो कहाँ से बाहर से आ रहा है जी। और इन्फेक्शन अगर एक भी पॉजिटिव इधर रिपोर्ट आए तो फिर सब्जी सब बंद कर देंगे। तो इसीलिए हम लोगों को मजबूरी से सबको लगाना पड़ेगा। अगर सभी ने करे तो कस्टमर किसके ऊपर आ करेगा? सबके ऊपर। तो आपके लिए भी है, बाकी जो दूसरा कस्टमर आएगा वो भी उसका इंजेक्शन चला जाएगा ना जी। जी इसको सब में लगा जी जी नहीं है फिर आएंगे। मैं ये तो सभी दुकान में देख रहा हूँ, वही इतना ही खत्म हुआ है। मतलब जो बेचने का वो तो बेचता है, इतना ही बेचता है। 65 में उतना ही होता है दुकान में, इतना ही है। वो दिन भर दिखाने के लायक करेंगे। सबको बोलिए, आप तो लोग अगर ग्लव्स नहीं पहने हो तो खुद यूज कीजिए। और सबको बोलिए जो आएगा दुकान में सैनिटाइजर यूज करेगा। यूज नहीं करते इसीलिए तो इतना ही तो आता है। ये तो नया लग रहा है भैया, नया सुबह से बेच रहा है। डाल दीजिए ना, ऐसा करके डाल दीजिए, उसके बाद हाथ धो लीजिए। आप लोग तो ग्लव्स पहन रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग पकड़ लेंगे। इन सब तो ग्लव्स पहन के नहीं आएंगे, ये साहब आया ग्लव्स नहीं पहन के आया। पैसा कोई आए उनको बोलिए भैया सैनिटाइजर से हाथ धो, उसके बाद टच करो या पैसा दो। देखिए हम लोग की वजह से दुकान खुला है, कोई इन्फेक्शन रिपोर्ट आया फिर बंद कर देंगे, ठीक है? तो अच्छे नहीं रहेगा। तो आप लोग सभी कमेटी मिल के बैठिए, सबको एक नियम बना लीजिए। आपका सैनिटाइजर इतना छोटा सैनिटाइजर में कितना दिन चलेगा? हल्दी 10 आदमी के दिन के बाद तो खत्म हो जाएगा। बड़ा बड़ा रखिए, कोई आता है कोई यूज भी करता है, मुझे पता है। ये एक दिन में खत्म हो जाएगा आप लोग, ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो परसेंट यूज के, अगर आप जब दिखाने के लिए रखा है तो फिर इंजेक्शन करने में बंद हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। देखिए इंजेक्शन आपसे आपके पास ही जाएगा, इधर से कोई आगे हाथ देगा फिर आप जब उठाएगा आपके पास ही तो इंजेक्शन जा सकता है। आप ही लोग तो पहले इंफेक्टेड होंगे। तो दाम कितना रहेगा पटल का? पटल 40-60 रुपये। सैनिटाइजर ये तो इतना ही आता है दुकान में, तो दिखाने के लिए रखे तो हम ही दिखाने लायक बंद कर देंगे दुकान। छोटा वाला था, छोटा वाला खत्म होने से बड़ा लिया है। अभी दुकान में दिखाने के लायक रख दिया। ये हाथ देने से पहले कस्टमर के हाथ में दे दीजिए ना, उनको बोले आप खुद ही ले लीजिए, उसके बाद रखिए, क्योंकि आपके पास तो इन्फेक्शन जा सकता है ना। आप भी बीमार हो जाएगा ना। जो ग्लव्स छोड़ के आएगा आपके दुकान में उसको बोलिए भैया सैनिटाइजर यूज करके सब्जी का हाथ लगाओ। पहले सब्जी हाथ देने से पहले उसको बोला जाने नहीं दे दीजिए, तो आपका आपका भी हो सकता है ना। फिर दुकान बंद होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपका फर्ज है कि जो भी कस्टमर आएगा दीजिए, आप पहले सैनिटाइजर लगाइए। नहीं दिया, ठीक है? ये सब खाने के लिए बहुत सब आदमी आता है ना। मंडी दिखाने के लिए रखने का कोई इसका वजह फेंक दो। आपको तो बोलना पड़ेगा ना, उसके पास हो सकता है नहीं भी हो सकता है, आपको बोलना चाहिए जी भैया। तो है तो पहले आपका सामने थोड़ा हाथ लगाने के लिए बोलिए, आपका सामने लगाएगा। नहीं कितना है? 160। केला कितना ले रहे? 60-50 एप्पल
ऊपर 180 160 है तुमसे 180 है तुमसे 160 हम लोग ना बीच बीच में आई है क्या हो रहा है ये लोग सैनिटाइजर रख देते हैं कस्टमर तो नहीं देते नहीं सुनेगा तो फिर उसका नाम लिख दीजिए कस्टमर आएगा आपके सामने सैनिटाइजर यूज करेगा आप देखोगे इंसिस्ट करोगे ये कीजिए देखने के लायक रख देगा तो कोई नहीं तो एक महीना यूज करेगा सैनिटाइजर का तो कॉस्ट है ना उन्होंने जो रखा है कति भन्नु भन्नु त कति चाहिँ भोलिदेखि छैन नि हामी दोकान गरिदिन्छौँ इन्फेक्सन उसका खुद का होगा तो ये लोग शुरू करेगा क्योंकि इतना तक लेना पड़ता है इससे कम नहीं और साइड ऑफ 1 रुपी कोई नहीं इतना एक हाथ के लिए लेना पड़ता है अच्छे हम लोग यूज करो सभी दुकान में क्या दिखाने के लिए रात नहीं ये खत्म हो गया था ना इसलिए हम लोग इस बार देखेंगे कस्टमर ऐसे ले रहा है पकड़ेंगे आप लोग भैया काजू यूज करो एक मिनट लेंगे करेंगे ना बीच बीच में आए ऐसे प्रेस नॉर्मल प्रेस में देखिए यूज कर रहा है क्या नहीं है तो उसका नाम काम कीजिए हमारे पास एक दो दुकान बंद हो जाएगा ना तब सबका इन्फॉर्मेशन होगा आप किसका होगा पुलिस में या तो एस डी सर को इन्फॉर्म किया मेरा नंबर ले लीजिए बंद कर देंगे नहीं आप ही लोग अपने घर से दे दीजिए यहाँ से खड़ा है ठीक है ये आदमी यहाँ पे ही खड़ा होगा और आगे नहीं जाएगा ठीक है आप आके उसको पैसा सामान दे दीजिए इतना सामने सामने होगा अरे अगर हाँ थोड़ा डिस्टेंस होगा प्राइस काटने की ठूलो 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 रखो वो तो उसमें मुझे समझ नहीं बेचने वाला ना बाहर इधर गिरा दीजिए एक तार में एक सूचना देखिए बांट दीजिए वो जो कस्टमर बोल दिए हम खुले खुलो रखो ना खुलो रखो कस्टमर तो इतना नहीं है उधर बिठाइए उनको अगर ऐसे रहेगा हम लोग तो बोल रहे हैं सर कि आप लोग दूर दूर रहिए तो नहीं नहीं सुनोगा हम लोग क्यों नहीं सुना उधर खड़ा हो जाए तब तो अच्छा होगा ना इंजेक्शन तो फिर तपाईँको यो सानो भयो तपाईँ यो ठुलो राख्नुहोस् यो भएन ठुलो सानोले हुँदैन ठुलो ठुलो मगाइहाल्नुहोस् म भोलि चेक गर्छु भोलि पाइनँ भने हामी सैनिटाइजर बाहर रख दीजिए और इधर एक पार्टीशन टाइप दे दीजिए आप लोगों के लिए आते अरे सैनिटाइजर अभी नॉट फॉर शोइंग पर्पस से नहीं है बाहर ही कहाँ पर रख टेबिल में रख दीजिए यूज हो रहा है एकदम नया लग रहा है दिखाने के लिए रख दिया लेकिन इस बार आप लोग ना बिना ड्रेस में विजिट कीजिए ऐसे नहीं होगा ऐसे कोई तो सब लोग जान गया जो अभी विजिट में आया और रख दिया बिना बिना इसको बेचेंगे फिर तो ऐसे कोई फायदा नहीं वो लोग सोच रहे हैं हम सबको बेवकूफ़ बना रहे लेकिन जब बंद हो जाएगा सबके लिए तो फिर प्रॉब्लम होगा ये आप लोग बिना ड्रेस में आके बिना आके देखिए कौन नहीं मेंटेन नहीं करा उसका नाम लीजिए लेके दीजिए एक दो दुकान बंद होगा तो ठीक होगा कस्टमर का डिस्टेंस है मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके साथ मेरा डिस्टेंस कितना होगा मेरा अगर इंफेक्शन होगा तो आपको हो जाएगा ना जैसा आपका इंफेक्शन मेरे पास आ सकता है एक तो बेंच रख दीजिए कि बेंच मत प्रेस करो भैया बेंच के आगे रहो सैनिटाइजर कहाँ रखा है नहीं नहीं ठूलो
ठुलो राख्नु भोलि हामी चेक गर्छौँ यहाँ एकदम बाह्रमा पहिला कस्टमरलाई पहिला कस्टमर बेच्नेवाला त भन ए तिमीहरूको खै यहाँ बाहिर किन अहिले लुगा अहिले अहिले उता थियो बाहिर राख्न बाहिर राख्न हम लोग ऐसे नॉर्मल आएंगे।